नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 के कर्नाटक में वीर शैव धर्म का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। वीर शैव धर्म अर्थात जिसका पर्याय लिंगायत संप्रदाय से भी था, जो अल्ल प्रभु और वासव ने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में इसका प्रादुर्भाव किया। शिव परम तत्व है जो पूर्णतः है, स्वतंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस संप्रदाय में केवल शिव की सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता थी। वह निरावलम अथवा सर्वशून्य था, उसके साथ ही उसकी शक्ति थी। इस शक्ति के कारण ही उसमें चेतना उत्पन्न हुई और वह शून्य लिंग बन गया जो निष्कल ब्रह्म था। इसके बाद वह महालिंग बना और पंचमुखी शिव के नाम से जाना गया। पंचमुखी से तात्पर्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व पंचमुखी कहलाए। उसकी आंखों में मन से सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तथा छुपे हुए मुंह से जीवात्मा का विकास हुआ। जीवात्मा को परमात्मा शिव से एकाकार होने के लिए 6 स्थितियों या स्थल से गुजरना पड़ता है, जैसे भक्त स्थल, इसमें भक्ति भाव पैदा होता है, महेश्वर, विश्वास और निश्चय उत्पन्न किया जाता है, प्रसादी, भगवान की कृपा प्राप्त की जाती है, प्राणलिंगी, मन के भीतर भगवान की अनुभूति की जाती है, शरण स्थल, एक शिव का साक्षात्कार किया जाता है, और लिंगांग सामरस्य, इसमें जीवात्मा और परमात्मा को एकाकार किया जाता है। इस दिव्य अनुभूति पर ही केवल मानव मात्र का अधिकार है। अतः वीर शैव धर्म सबके लिए खुला है और सभी दृष्टियों से यह पूर्णतया स्वतंत्र है। इस युग के अंतिम चरण में दक्षिण में इसका विस्तार हुआ और इसके कर्नाटक के शासक विज्जल ने, जो अपने प्रधानमंत्री बासव थे, उनकी सहायता से शैव धर्म का प्रचार किया। इसके पूर्व हम जब प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि शैव धर्म हर्षचरित में बाण भट्ट का प्रारंभ में उसका शैव अनुयायी होना ज्ञात होता है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मन भी शैव थे। धीरे धीरे इनका जो मंत्र ओम नमः शिवाय राजस्थान में राजपूतों में भी व्यापक और विस्तृत होने लगा। कलचुरी अभिलेखों में राजा पद्म महेश्वर की पदवी से विभूषित किए गए, जो महेश्वर शिव के उपासक थे। इस धर्म के अनुयायी लिंगायत भी कहलाते हैं। इस धर्म में अहिंसा में विश्वास करते हैं, परंतु वर्ण आश्रम व्यवस्था, जाति भेद या फिर सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध करते हैं। छुआछूत की भावना इसके अंतर्गत का भी विरोध किया गया। इसकी प्रगति के कुछ 8 नियम बताए गए हैं, जैसे रुद्राक्ष धारण करना और लिंग के रूप में उस लिंग को दोनों ओर से चांदी में पिरो करके उस लिंग को गले में धारण करना था, गुरु की आज्ञा का पालन करना, शरीर पर भस्म लगाना, शिव को परम सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करना, गुरु जंगमों के शिव के प्रसाद चढ़ाना और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना। इस धर्म को और भी व्यापक विस्तृत करने के लिए नैनावार संप्रदाय का अभ्युदय हुआ, जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत में विजयनगर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और चोल साम्राज्य तक इसका विस्तार किया। इसके प्रवर्तक मणिकवाचकर अप्पर संबद्धर सुंदर सर्वप्रधान बने और यह संप्रदाय जगत और जीव की पृथक सत्ता को स्वीकार करते हैं और शिव को चराचर जगत का स्वामी मानते हैं। इसी प्रकार शिवादैत्य संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीकंठ थे, जो रामानुजाचार्य के समकालीन थे।
शिव की उपासना विभिन्न प्रकारों में की गई है, परंतु सभी का उद्देश्य त्रिदेव की परिकल्पना के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश ही रहा है। महेश को कल्याणकारी माना गया, विष्णु को पालनकर्ता और ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता स्वीकार किया गया। शिव दोनों रूपों में पूजा जाने लगा, मानव रूप में भी और लिंग के रूप में भी। इस प्रकार संपूर्ण चर जगत का प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद। आपको एक होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, वीर शैव मत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।